दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निगम चुनाव में बढ़त बनाने के लिए हाईटेक प्रचार अभियान चलाया था। वहीं सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। जहां बीजेपी और आप सभी 250 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 247 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हर दिन नगर निगम का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक प्रत्याशियों से जुड़ी जानकारी सबके सामने पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम के चुनाव में 56% ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है। इस बार ADR की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.27 करोड़ रुपए है, जबकि 2017 के निकाय चुनाव में 2,315 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 1.61 करोड़ रुपए थी। इस बार के चुनाव में कुल 1,336 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इसमें से 556 उम्मीदवार करोड़पति हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के 249 उम्मीदवारों में से 162 यानी कि 65% और आम आदमी पार्टी के 248 में से 148 यानी कि 60% और कांग्रेस के 247 उम्मीदवारों में से 107 यानी कि 44% नेता या प्रत्याशी करोड़पति हैं। अब जान लेते हैं कि सबसे अमीर प्रत्याशी कौन सा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की वार्ड संख्या 79 के बीजेपी उम्मीदवार रामदेव शर्मा सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके पास कुल 66 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। वहीं वार्ड संख्या 149 मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार नंदिनी शर्मा ने कुल 49.84 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित किया है। अब आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में भी जान लेते हैं। वार्ड नंबर 248 करावल नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र भंसाला ने अपने चुनावी हलफनामे में 48.27 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति की घोषणा की है, जबकि आजाद नगर वार्ड से मैदान में उतरी कांग्रेस की वैरम कौर के पास 70.15 लाख रुपए की चल संपत्ति है, 89 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं पूर्व मेयर और दरियागंज वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी ने 40.46 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति घोषित की है। हलफनामे के मुताबिक उनकी कोई भी देनदारियां नहीं है। तो ये थे वो प्रत्याशी जो कि हैं सबसे अमीर।